हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द माइटी ज्ञान में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो ब्रेस्ट फीड कराने वाली मदर्स हैं उनको अपनी डाइट में ऐसा क्या शामिल करना चाहिए जिससे उनके जो बेबी को पेट दर्द का, कॉलिक पेन का सामना ना करना पड़े। देखिए, मदर्स जो खाती हैं वही बच्चे को मिलता है, तो मदर्स को स्पेशली ध्यान करना पड़ता है उस दौरान जब वो बच्चा उनका फीड लेता है। तो अगर आप ऐसा ऊटपटांग खा लेती हैं तो सारा भुगतान हमारे बेबी को करना पड़ जाता है। सबसे पहला तो ये है कि आपने मिर्च मसाले बिल्कुल भी नहीं खाने। ज़्यादा मिर्च मसाले खाने से बच्चे को बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। जब तक बच्चा फीड करता है आप ध्यान रखें मिर्च मसाले आपने नहीं खाने। नंबर दो, तला भुना अवॉइड करें। ज़्यादा तला फुला ऑयली फूड आप नहीं खाइए, अवॉइड करें। कभी कभार ले सकती हैं बट रेगुलर डाइट में इसे शामिल ना करिए। तीसरा है छोले, राजमा, काले चने, जो दाल होती है बाय वाली जिसमें बाय होती है, उन चीज़ों को अवॉइड करें क्योंकि इससे बच्चे को कॉलिक पेन बढ़ जाता है। बच्चे के पेट में इससे दर्द होने लगता है और बच्चा बिना वजह रोए जाता है, हमसे उससे पता नहीं क्यों रो रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आपका जैसा खान पान होगा वैसा ही आपका बच्चा होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, जो आप खाती हैं उसी से रिलेट आपका बच्चा करता है। और जितना ज़्यादा आप हरी सब्जियाँ खाएंगी अपनी डाइट में, हरी सब्जियाँ, सॉफ्ट फूड खाएंगी, ज़्यादा मतलब चटपटा तला भुना खाना ना खाएं, सॉफ्ट हल्का खाना खाएं, इससे बच्चे को भी आराम मिलता है और पेट में दर्द वगैरह की प्रॉब्लम नहीं बनती। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखें अगर आप भी बच्चे को फीड देती हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। सॉरी, मेरे गले में प्रॉब्लम चल रहा है थोड़ा सा, तो प्लीज़ वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करें। अगर वीडियो पसंद आए उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस तरह के वीडियोस के लिए। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।